शनशन जब पूछती है कि उन्होंने जू शाओ को कैसे थैंक्स दिया, तो फिंग कहता है चेक देके। शनशन कहती है तो उसे क्यों नहीं दिया चेक? अब वो थोड़ी ना ऐसी वैसी कोई थी जो उसे चेक देके कर्ज चुकाया जाता। बात करते करते अचानक से शनशन के गले में मछली का कांटा चुभ जाती है। फिर तो डॉक्टर बुला के कांटे को बाहर निकालना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं शनशन की कलीग्स कंपनी के एनुअल गाला पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसमें कुछ कंपटीशन भी रखे जाते हैं जिसके जीतने पे कार मिलती थी। शनशन तो ऑलरेडी इमेजिन करने लगती है, पर उसे पता चलता है उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए कम से कम 1 साल एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। फिर तो शनशन की कोई चांस नहीं थी। पर और एक कंपटीशन की बात होती है जहाँ पे अच्छे से ड्रेसअप करना ज़रूरी था। उनकी लुक की वजह से उस कंपटीशन में जीता जा सकता था, और जो वो कंपटीशन जीतती उसे बॉस के साथ डांस करने का मौका मिलता। इसीलिए सभी शनशन को अच्छे से तैयार होने के लिए बोलते हैं, और वो सब भी बहुत एक्साइटेड थे अट्रैक्टिव कपड़े पहनने को लेके। वैसे शनशन को ना तो इस पार्टी के बारे में ख्याल था और ना ही वो एक्साइटेड थी। उसके लिए ये सब परेशानी देने वाली बात थी। वहाँ जू शाओ इनकी बातें ध्यान से सुन रही थी, सब कुछ समझ ले रही थी। अगले दिन शनशन फिर से वही ड्रेस पहनती है। अब बेचारी के पास खुद के ड्रेस तो नहीं थे, मतलब इस तरह के ड्रेस। लू शुआंग की यही वाली ड्रेस शायद उसे फिट आती थी। पार्टी में आते ही फेंग की सेक्रेटरी उसे ये वाला ब्रेसलेट पहनने को देती है और पार्टी चलने तक पहन के रखने के लिए बोलती है। सामने ही शनशन की फेवरेट डिशेस रखे गए थे, तो वो मज़े से खाने लगती है। पर उसके हाथ का ब्रेसलेट उसे बहुत परेशान कर रही थी, इसीलिए वो इसे यहाँ पे खोल के रखती है। फिर बारी थी फेंग की स्पीच देने की। वो सबके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करता है और उनके लिए रखा गया इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं फेंग का जीजा जी शनशन से बात करने आए होते हैं। फेंग के जीजा जी को देख के लग नहीं रहा था कि वो उनकी पत्नी के मिस कैरेज से दुखी थे। शनशन के साथ साथ मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, शायद ये मिस कैरेज वाली बात सही नहीं थी, कोई और ही बात थी। शनशन समझ पाती इससे पहले ही फेंग चला आता है। फेंग शनशन को उसके जीजा से ज़्यादा बात करने से मना करता है। शनशन को फिर से कुछ समझ नहीं आता, बार बार कुछ ना कुछ अनक्लियर रह ही जाते थे उसके सामने। खैर जो भी हो, फेंग उसे उसका शेल्टर बनने के लिए कहता है, मतलब उसकी तरफ से ड्रिंक करने के लिए बोलता है। शनशन पहले तो मना कर देती है, पर बोनस की बात सुनते ही वो राज़ी हो जाती है। उसके हाथों में ब्रेसलेट ना देख के फेंग उसे दूसरा वाला पहना देता है। इसके बाद शनशन फेंग की तरफ से एक के बाद एक ड्रिंक करती ही जाती है उसका वाला ख़त्म हो जाता है तो फेंग उसके लिए दूसरा वाला लाके देता है। फिर बारी थी ड्रेसअप के लिए जो कंपटीशन रखी गई थी उसका विजेता घोषित करने की। सभी अपने आप को उम्मीद कर रहे थे, पर जीतती है जू शाओ। अब क्योंकि वो जीती थी इसलिए फेंग के साथ डांस करने का मौका भी उसे ही मिला। फेंग डांस तो कर रहा था उसके साथ, पर उसकी नज़र शनशन की तरफ ही थी। पूरा टाइम वो उसे ही देखता गया। एक्चुअली वो उसे जलाना चाहता था, इसीलिए उसकी फेशियल एक्सप्रेशन को ध्यान से नोटिस कर रहा था। अब शनशन फेंग का देखना नोटिस की थी या नहीं वो तो नहीं पता, पर वो जल जरूर रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए वो बाहर आती है और अपने आप को समझाने लगती है। ऐसे में उसे फेंग का कॉल आता है। वो उठाना नहीं चाहती थी, पर नहीं उठाती तो उसे ही प्रॉब्लम होती, इसीलिए उठा ही लेती है। फेंग उससे पूछता है वो कहाँ है। शनशन के बताने पे वो खुद उसके पास आना चाहता है। पहले तो वो बहुत बार मना करती है, पर फ़ायदा ना होते देख वो उसे अंदर से उसका कोट भी लाने के लिए बोलती है। फेंग आके उसे कोट पहना देता है और उसे घर छोड़ देना चाहता है। इसमें भी शनशन मना करती है, पर उसकी बात सुनता कौन। जाते जाते शनशन पूछती है उसने अपनी बहन के यूरोप जाने वाली बात पे झूठ क्यों कहा था। फेंग कहता है कब, उसने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था, अगर कहा भी होगा तो शायद मुंह से ऐसे ही निकल गई होगी। शनशन को उसकी बातों पे विश्वास तो नहीं होता, पर वो अपने आप को समझाती है भला उसे क्या ज़रूरत पड़ेगी उससे झूठ बोलने की, वो जो कह रहा है वो सच ही होगा। क्योंकि ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि वो उसके साथ लंच करना चाहता था इसीलिए उसे झूठ कहा था। बाद में फेंग कहता है अभी अभी उसने जो जू शाओ के साथ उसे डांस करते हुए देखा था उसके लिए वो उसे गलत ना समझे, इससे उनके बीच कुछ बदल नहीं जाएगा। उसे इस तरह से एक्सप्लेन करते देख शनशन खुश होने लगती है। वो सोचने लगती है कहीं वो इसीलिए तो उसे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा था कि वो उसे पसंद करता है।
शनशन पूछती है क्या वो एक चीज़ पे गलत समझ सकती है कि वो उसे पसंद करता है। फिंग कहता है कभी कभी कुछ बात पे गलत समझना उतना भी बुरी बात नहीं होती। शनशन कहती है पर उसने तो कभी ऐसा वैसा कुछ कहा नहीं। फिंग कहता है जो पहले परस्यू करता है क्या उसे ही पहला कदम उठाना नहीं चाहिए। शनशन वॉज लाइक क्या उसने कब उसे परस्यू किया। फिंग कहता है नहीं किया तो फिर उसने जो मैसेज भेजे पिक्चर भेजे वो किस लिए। शनशन गुस्सा होके कहती है वो उसे उसके बचपने की वजह से पसंद नहीं करती। वो और क्या बचपना करेगा, क्या वो उसे जॉब से निकाल देगा। उसे जो करना है वो करे, वो नहीं डरती उससे। और अगर इस वजह से उसने उसे जॉब से निकाल दिया तो फिर ये साबित हो जाएगा कि वो और भी ज़्यादा चाइल्डिश है। फिंग तब उसे अचानक से किस करता है। शनशन नशे की हालत में थी तो वो उसे मना भी नहीं कर पाती। घर छोड़ते वक्त फिंग शनशन से कहता है वो ज़रा अच्छे से सोच के देखे कि वो हर रोज़ उसके ऑफिस में क्यों जाती है, हर रोज़ वो उसके साथ लंच क्यों करती है, क्या बस उसके ऑर्डर की वजह से और कुछ नहीं। बाद में ध्यान से सोच के वो इसका जवाब ढूंढे और उसे बताए। शनशन अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि फिंग ने उसे सच में किस किया था। सुबह उठ के शनशन जब नीचे की तरफ देखती है तब उसे कुछ कुछ याद आने लगती है। पर नीचे आके इधर उधर देख के वो सोचने लगती है वो सब उसका वहम था। रात में क्या हुआ था उसे पूरी तरह से याद नहीं थी। वो ड्रंक थी इसलिए जो कुछ भी उसे याद था वो सब उसका इल्यूशन लग रही थी। पर बाद में उसे इस आंटी से पता चलता है रात को सच में उसे कोई छोड़ने आया था जो कि फेंग था। वो कंफर्म हो जाती है कि उसको जो भी वहम लग रहे थे वो सब सच में हुआ था। वो अपनी प्रॉब्लम्स लू शुआंग से शेयर करती है पर इनडायरेक्टली। लू शुआंग को समझ में आ गया था वो अपने बारे में ही बोल रही थी, इसीलिए वो शनशन को बॉस के प्यार में पड़ने से मना करती है, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना करती है। शनशन सच में बहुत परेशान थी पर फिर भी स्नोफॉल होते देख वो सारी परेशानी भूल के इस पल को जी भर के जीने लगती है। बाद में वो अपनी बहन के पास आती है उसका प्रॉब्लम शेयर करने। वो लियू से कह देती है कि उसके बॉस ने उसे प्रपोज किया था। वो उससे ये भी पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। लियू उसे समझाती है ये तो हर लड़की का सपना होता है कि ऐसा कोई लड़का उसे प्रपोज करे, पर रियल लाइफ में कोई सिंड्रेला नहीं होता, वो नौकरानी बन के ही रह जाती है। अगर उसके साथ फेंग की शादी हो भी जाती हो तो भी वो उसकी नौकरानी बन के ही रहेगी। किसी और की ज़िंदगी में प्रिंसेस बनने का ख्वाब छोड़ के उसे अपनी ज़िंदगी का प्रिंसेस बनना चाहिए। मतलब वो भी उसे फेंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना करती है। उसके बाद से शनशन को ना ही फेंग का कॉल आया था, ना ही मैसेज, ना ही उसके सेक्रेटरी से कोई इन्फॉर्मेशन। आजकल लंच के लिए भी उसका बुलावा नहीं आता था। शनशन भी खुद से फेंग के ऑफिस की तरफ नहीं जाती थी। फिर से वो एक आम एम्प्लॉय बन चुकी थी, उसका फोकस फिर से खोने लगा था। वो कोशिश करती थी काम में ध्यान देने की। एक तो वो अपनी रोमांटिक लाइफ से परेशान थी, ऊपर से उसके सामने इनका रोमांस चलता ही रहता था। आज तो उसे बताया जाता है दूफान उनके साथ शिफ्ट होने वाला है। वैसे लू शुआंग शनशन के ऊपर ही छोड़ती है, वो जो फैसला लेती लू शुआंग और दूफान को वही मंजूर थी। पर शनशन थोड़ी ना किसी के बीच का कांटा बन सकती थी। वो कहती है उसे भी बहुत दिनों से एक बात कहनी थी, वो भी यहाँ से शिफ्ट होना चाहती है। अब वो परमानेंट एम्प्लॉय बन चुकी है पैसों को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे। लू शुआंग को लग रहा था वो दूफान के आने से जाना चाहती है, इसलिए वो दूफान को ही आने से मना करती है। पर शनशन उन्हें समझाती है ऐसा कुछ नहीं है, वो सच में अब इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, उसे अकेले रहना है। वो उन्हें उसके लिए एक घर ढूंढ के देने को बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं रास्ते में जाते जाते वो इन तीनों को खेलते हुए देखती है। फेंग के डर से वो जल्दी से छुप जाती है पर बाद में सोचती है उसे छुपने की क्या ज़रूरत। वो हिम्मत करके सामने जाके देखने लगती है पर उससे नहीं होता। फिर से वो उसे छुप छुप के देखने लगती है। शनशन ने काफ़ी दिनों तक फेंग के ऑफिस में पैर तक नहीं रखे थे, इसीलिए फेंग का मूड बहुत ही बिगड़ा हुआ था। वो इस वक्त शनशन के बारे में सुनना भी नहीं चाहता था, इसीलिए ली शुआ को लग रहा था फेंग और शनशन के बीच जो कुछ भी था वो पूरी तरह से कट गई और उसका रास्ता भी क्लियर हो गया था। अब उसे फेंग को पाने से कोई नहीं रोक सकता था। बाद में जिंगशी ली शुआ को उसके एक फेवरेट जगह पे लेके आता है। जेंगशी ली शुआ से पूछता है अगर वो फेंग को इतना ही पसंद करती है तो वो उसे बोल क्यों नहीं देती। पर ली शुआ तो धीरे धीरे खेलना चाहती थी, उसे पता था कि अगर वो फेंग से ये बात करेगी तो फेंग उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी उसके दिमाग से शनशन का असर पूरी तरह से नहीं गया था।
और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जेंगशी ली शुआ को पसंद करता था। ली शुआ तो फिर भी कभी ना कभी अपनी दिल की बात फेंग से कहने वाली थी, पर जेंगशी उसे कभी भी अपनी दिल की बात नहीं कह पाता, क्योंकि उसे पता था कि ली शुआ के दिल में बस फेंग रहता है।